हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। और इससे पहले की वीडियो हमने आपको बताया था सिंगल डे काउंसलिंग के बारे में और उसकी जो खामियां थी वो बताई थी कि सबसे बड़ा नुकसान यही था कि जो है उसमें एक चरण की जब बहाली कंप्लीट हो जाती है सिंगल डे काउंसलिंग में, तो उसके बाद सरकार क्या करती है, इंतजार करती है 30 दिनों का। 30 दिन का योगदान हो जाता है जब अभ्यर्थियों का, तो उसके बाद फिर से सीटों को जो है कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसके बाद नए चरण की बहाली जो है आगे प्रोसेस में लाई जाएगी। यानी कि जो लोग अभ्यर्थी छूट जाएंगे उनको अगली काउंसलिंग में जो है मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिंगल डे काउंसलिंग का मतलब कि एक दिन काउंसलिंग हुई और शिक्षक बहाली प्रक्रिया समाप्त। फिर अगले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया जो है तब होगी जब अगले चरण की बहाली आएगी। ठीक है, तो वो नुकसानदेह है, उसको बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा कि वो आपके लिए सही नहीं है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे मल्टीपल डे काउंसलिंग के बारे में और इसको आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि ये फायदेमंद क्यों है। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा और ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सब्सक्रिप्शन इसलिए भी जरूरी क्योंकि हम कट ऑफ के वीडियो डालेंगे जो कि काउंसलिंग में आपके लिए जो है काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आइए समझते हैं कि मल्टीपल डे काउंसलिंग का जो है मतलब क्या होता है। पहले तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि मल्टीपल डे काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि अलग अलग दिनों में जो काउंसलिंग होती है उसको जो है हम लोग मल्टीपल डे काउंसलिंग कहते हैं। यानी कि इसमें जो है काउंसलिंग एक साथ नहीं लगाई जाती है, अलग अलग जिलों में जो है अलग अलग तरीके से लगाई जा सकती है, या मान लिया कि एक तिथि में 2 या 4 जिलों में लगाई जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको जो है मल्टीपल डे काउंसलिंग कहा जाता है। और इसको जो है हम लोग मंडल वाइज भी कर सकते हैं या जोन वाइज भी इसको बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस ऐसी जितनी भी काउंसलिंग होती हैं जो अलग अलग डे में होती हैं या मंडल वाइज होती हैं या जैसे मतलब अलग अलग जोन में बांटकर जो काउंसलिंग कराई जाती है, या मान लिया 4 जिले में आज काउंसलिंग कराई गई, 4 जिलों में जो है अगले दिन कराई गई, तो इसको जो है हम लोग मल्टीपल डे काउंसलिंग कहते हैं। इसमें जो है काफी फायदा मिलता है शिक्षक अभ्यर्थियों को। इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी नियोजन से वंचित रह जाते हैं किसी कारणों से, ठीक है, तो उनको जो है फिर दोबारा जो है अगले दिन मौका मिल जाता है या अगले नियोजन इकाई में वो जा सकते हैं अपनी काउंसलिंग कराने के लिए और अपनी जो है नौकरी पक्की कर सकते हैं। तो मल्टीपल डे काउंसलिंग जो है काफी फायदेमंद होती है और अच्छी मानी जाती है, क्योंकि हम लोग जो है 4थे चरण और 5वें चरण में देख चुके हैं कि मल्टीपल डे काउंसलिंग का फायदा मिला था। थोड़ा सा वहां पे मिस्टेक यही हुआ था कि शुरू में जो है डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल था इनका सिलेक्शन मतलब का जमा नहीं कराया जा रहा था, लेकिन सरकार बाद में जो है ये चीज जान गई और 5वें चरण से उसने जो है डॉक्यूमेंट को जमा कराना शुरू कर दिया था, जिससे एक अभ्यर्थी कई जगह नहीं जा पा रहे थे काउंसलिंग कराने के बाद भी। तो ये इस बार भी होगा, डॉक्यूमेंट सबके जो है जमा हो जाएंगे, जिसकी काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, जिसको नियोजन मिलना पत्र मिलना होगा, जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो मल्टीपल डे काउंसलिंग काफी अच्छी थी, फिर भी इसमें कुछ कमियां थी पिछले चरणों में, उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि यहाँ पे कैसे फायदेमंद है, क्योंकि कमेंट्स में लोग कह रहे थे कि कैसे फायदेमंद है ये बताइए। यहाँ पे देखिए, मान लिया कि जो है ये आपका जो है बिहार है, ठीक है, ये आपका जो है राज्य स्टेट है, ये है आपका बिहार, ठीक है, और इसमें जो है मान लिया कई सारे जिले हैं। ठीक है, अब देखिए मान लिया ये जो है 3 जिले हैं, ठीक, या कहने का मतलब है कि आप जो है इसको जो है 3 जोन में बांट लीजिए, मान लिया, ठीक है, 3 क्षेत्रों में हमने बांट लिया मान लिया बिहार राज्य को, ठीक है, और इनमें जो है कई सारे जो है जिले हैं छोटे छोटे, ठीक है, ये ए जोन हो गया, ये बी जोन हो गया, ये सी जोन हो गया, ठीक, और इसमें ये क्या हो गए आपके जिले हो गए, ठीक है, यानी कि आपने बिहार राज्य को क्या किया जो है मान लिया 3 जोन में बांट लिया, 4 में भी बांट सकते हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है, फिर ए जोन में मान लिया जो है इतने जिले हैं, 4 जिले हैं, बी जोन में जो है 3 जिले हैं, सी जोन में भी 3 जिले आ रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा कि मान लिया जो पहली जो काउंसलिंग जो है शुरू की गई, मान लिया एक काउंसलिंग यहाँ पे एक डेट में रखी गई और एक काउंसलिंग यहाँ एक डेट में रखी गई, ठीक है, तो जोन वाइज का फायदा ये होता है कि जब जोन वाइज काउंसलिंग होती है, ठीक है, मल्टीपल डे में, तो एक जोन का बच्चा जो है दूसरे जोन में आने से थोड़ा सा कतराता है, क्योंकि वो सोचता है कि हम अपने जोन में अपनी नौकरी जो है कंफर्म कर लें। तो होता क्या है कि वो बच्चा यहाँ अभ्यर्थी भाग के यहाँ नहीं आएगा और यहाँ का अभ्यर्थी भाग के यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, मान लिया एक ही दिन में इन दोनों की जो डेट है, इन दोनों की जो काउंसलिंग डेट है वो क्या है, सेम है, ठीक है, डेट जो है काउंसलिंग की जो है बिल्कुल एक है, एक ही दिन दोनों जगह काउंसलिंग होनी है, ठीक है, तो अब यहाँ के इस जोन का जो अभ्यर्थी होगा वो इसी जिले में जो है घूमेगा अपने सिलेक्शन के लिए, ठीक है, और इस जोन का जो अभ्यर्थी होगा वो इस जिले में सिलेक्शन के लिए घूमेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यहां पर भी जिसका सिलेक्शन होना था वो हो जाएगा, चाहे यहाँ हाई मेरिट हो, चाहे लो मेरिट हो, चाहे मीडियम मेरिट हो, सबका सिलेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी वही चीज होगा, चाहे हाई मेरिट हो, चाहे आपकी मीडियम मेरिट हो, चाहे लो मेरिट हो, वहां पर सिलेक्शन होगा और वो अपने जोन में भी रहेंगे, ठीक है, अब क्या होगा जो बच गए, मान लिया कि इन दोनों जोन में जो बच गए, फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट डे में जो है काउंसलिंग रखी जाएगी बी वाले में, ठीक है,
बी वाले जोन में जो है अगले किसी डेट में जो है काउंसलिंग रखी जाएगी। तो आप क्या होगा, जो बच्चे बचे हुए हैं, जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं, उनको यहाँ पे मौका मिलेगा बी जोन में काउंसलिंग कराने का, और उसके अलग अलग जिलों में काउंसलिंग करा के अपना सिलेक्शन जो है पक्का कंफर्म कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट तो आपके जमा हो जाएंगे ओरिजिनल, अगर आपको नियोजन पत्र मिलने वाला है तो यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा सी जोन में भी ए में भी। तो वो अभ्यर्थी जो पहले से सिलेक्टेड है वो यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, जब वो आ नहीं पाएंगे तो यहाँ पे बी जोन में कौन आएगा, सिर्फ वही अभ्यर्थी आएंगे जिनको सिलेक्शन नहीं मिला है, और इनकी मेरिट लो भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है। अब ये हाई और लो कैसे हो सकती है हम आपको अपने एक वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो मल्टीपल डे की काउंसलिंग होती है इसमें आपको चांस मिलते हैं कई सारे। ठीक है, अब देखिए अगर जो है यही काउंसलिंग सिंगल डे में होती तो ये काउंसलिंग प्रक्रिया एक ही दिन में खत्म हो जाती और ये छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया एक ही दिन में समाप्त हो जाती। सरकार कहती है कि छठे चरण की बहाली कंप्लीट हो गई, अब क्या करता, वो योगदान लेता, रिव्यू लेता सीटों का, तब उसके बाद वे सातवें चरण की बहाली के लिए आवेदन लेता, तब वो शुरू करता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आपको जो है दो बार तीन बार जो है काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मान लिया एक बार यहाँ काउंसलिंग हुई, एक बार यहाँ हुई, ये एक ही दिन हुई। मान लिया इसके चार जोन होते तो जो है फिर यहाँ पे अलग डेट पड़ती, यहाँ पे अलग डेट पड़ती। लेकिन सिंगल डे में क्या था कि एक ही दिन में सब जगह खत्म, यहाँ पे क्या होता है कि एक ही दिन में सब जगह खत्म नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट ये होता है कि आपके जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं अब उनको 30 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ए सिलेक्शन हुआ है और जो सी जोन में जो सिलेक्शन हुए हैं अब यहाँ पे 30 दिन वेटिंग चलेगा, 30 दिन का इंतजार किया जाएगा नियोजन इकाई के माध्यम से कि अभ्यर्थी आएगा योगदान करेगा। ठीक है, लेकिन जो अभ्यर्थी बच गया, मल्टीपल डे में यही फायदा कि जो अभ्यर्थी अब बच गया वो दूसरे जोन में चला जाएगा क्योंकि वहां पे अब अगले दिन काउंसलिंग होनी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जो शिक्षक वाली जो प्रक्रिया का जो चरण है, जो छठा चरण चल रहा है, वो यहाँ अभी समाप्त इतनी जल्दी नहीं होगा, जबकि सिंगल डे में एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन मल्टीपल डे में वो चरण जो है समाप्त नहीं होगा, वो चरण अभी आगे बढ़ेगा। यानी कि अभी दूसरे जोन में जो है काउंसलिंग की डेट रखी जाएगी तो जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनको फिर से मौका मिलेगा और जल्द ही मिलेगा, उनको 30 दिन का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सिंगल डे में क्या होता है कि सिंगल डे काउंसलिंग होगी तो 30 दिन के अंदर उनको योगदान करना होगा और वो काउंसलिंग सिंगल डे की एक ही दिन में खत्म हो जाएगी और आपकी उस छठे चरण की बहाली प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अब जब उसको जो है काउंसलिंग करानी होगी तो अब वो सातवां चरण शुरू करेंगे और फिर से नए आवेदन लेंगे, फिर से नए अभ्यर्थी उसमें शामिल हो जाएंगे, तो फिर से आपकी मेरिट हाई चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो मेरिट होती है वो एवरेज बन जाती है एक काउंसलिंग होने के बाद। इसका जो है बेनिफिट जो है जो लो मेरिट वाले अभ्यर्थी होते हैं, जो मीडियम मेरिट के अभ्यर्थी होते हैं, उनको इसका जो है पक्का जो है फायदा मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल डे में ज्यादातर हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो पहली जो काउंसलिंग शेड्यूल पूरी होती है उसमें ज्यादातर जो हाई मेरिट वाले बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन जो है तय माना जाता है, और उसके बाद जो बच जाते हैं वो ज्यादातर जो है मीडियम मेरिट और लो मेरिट वाले ही होते हैं, और उनका सिलेक्शन भी जो है तय हो जाता है अगर उनको आगे चरण दिए जा रहे हैं काउंसलिंग कराने के लिए। ये सिर्फ मल्टीपल डे में संभव है, सिंगल डे में ये संभव नहीं है। तो उम्मीद है कि आप सारा प्रोग्राम समझ गए होंगे कि मल्टीपल डे काउंसलिंग ज्यादा बेनिफिट जो है आपके लिए देगी, न कि जो है सिंगल डे वाली काउंसलिंग, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट वाइज कराई चाहे जैसे भी कराई। थोड़ा सा ये इसमें लेंथी हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी वर्क होता है, लेकिन जो है सिंगल डे से काफी अच्छा है। मल्टीपल डे में आप चॉइस कर सकते हैं, फिर से आप मेरिट लिस्ट का विश्लेषण कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे तो करा लिया, दूसरी जगह चलो देखते हैं वहां पे क्या है। लेकिन सिंगल डे में आपको सिर्फ एक मौका मिलेगा, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो आपको जो है समझ में आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।